and get to rough. अनिविक गाइड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे LG DJ की X Boom Thunder। तो गाइज अपन आज इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। ये 6 महीने पुराना है, तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक बटन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। गाइज इसमें आपको ऊपर दिखेगा एक्स बूम का लोगो, उसके नीचे आपको मिलती है डिस्प्ले। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो इस डिस्प्ले में आपको यहाँ पे इसको कंपेयर करके देख सकते हो मेरे हाथ से, तो ये काफ़ी छोटी है। तो इसके नीचे अपन बात करें इसकी स्विचेस की, तो यहाँ पे स्विच मिलता है आपको फर्स्ट बटन पावर का, ऑन एंड ऑफ का। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे USB, इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हो और मैं तो इसमें फ़ोन भी चार्ज करता हूँ। तो इसके आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड आप गाने कर सकते हो। उसके नीचे आपको बटन मिलता है रिपीट का, इसमें गाने रिपीट हो जाएंगे वापस इसको आप प्रेस करोगे तो। उसके बाद में अपन को मिलता है ब्लूटूथ का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप हर डिवाइस से ब्लूटूथ पे कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके आगे मिलता है आपको इसमें कुछ फंक्शंस का बटन, इसमें आप ऐसे करोगे इसमें टीवी में कनेक्ट कर सकते हो, FM चला सकते हो, लाइटिंग का और काफ़ी सारे फंक्शंस दिए गए हैं। उसके अपन को अलग से लाइटिंग का मिलता है, लाइटिंग ब्लिंक करने का, अलग अलग ब्लिंक डिज़ाइनिंग होती है लाइटिंग की अलग अलग कलर के साथ, तो वो इसमें मिलेगी अपन को। तो इसमें अपन को जॉय व्हील्स मिलते हैं दो बड़े बड़े एक्स बूम को, मेरे को इनको मूवमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसको मैं रोज़ यूज़ करता हूँ और काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है इनको यूज़ करने में। आप गाने मिक्स कर सकते हो, रिमिक्स कर सकते हो और काफ़ी अलग अलग साउंड में यूज़ कर सकते हो आप। तो इसमें अपन आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑटो DJ का ऑप्शन दिया गया है, तो ये आप ऑटो DJ करोगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली आपकी इसके खुद के हिसाब से गाने मिक्स और साउंड देगा। और इसमें आपको एक्स्ट्रा बेस सुनना है तो बेस ब्लास्ट का अलग से ऑप्शन दिया गया है, जिसको अलग से बेस सुनना होता है वो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग बेस साउंड सुन सकता है। और यहाँ पे अपन को स्टॉप बटन मिलता है और दूसरे साइड अपन को यहाँ पे पॉज एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपन गाने स्किप कर सकते हैं, बैक स्किप, फॉरवर्ड स्किप। उसके आगे अपन को होम का स्विच मिलता है और एंटर सेट का स्विच मिलता है। ये अपन को बीच में वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम होती है, इसमें अपन वॉल्यूम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से क्या वॉल्यूम रखनी होती है। तो अपन नीचे बात करेंगे अपन ये दो स्विचेस की, LG EQ। LG EQ में क्या होता है, नेचुरल एंड इंडियन आपको इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। और यूज़र EQ के अंदर आप यूज़र होते हो तो इसमें आप गाने मिक्स कर सकते हो, कैसे आपको साउंड सुनना है, कैसे आपको अलग अलग म्यूज़िक का ट्रैक करना है वो इसमें आप कर सकते हो। और दूसरी साइड अपन मिलता है अपन को क्लॉक, तो इसमें क्लॉक में आप टाइम सेट करके अलार्म भी सुन सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है और इसका साउंड सुन के हर कोई उठ जाएगा। और यहाँ पे अपन को यहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिलता है, काफ़ी कलर्ड स्टिकर। इसमें अपन को ब्लूटूथ, DVD वीडियो, HDMI सब कुछ मिलेगा। तो इसमें अपन फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में अपन को दिखता है LG की ब्रांडिंग और कई सारे फीचर्स देखने को मिलता है, DVD वीडियो, MP3, कॉम्पैक्ट डिस्क, HDMI, डॉल्बी डिजिटल, एक्सपीड होम, ये अपन म्यूज़िक के लिए ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपन को CD ड्राइव दी गई है, तो मैं इसको इतना पर्सनली यूज़ नहीं करता, मैं एक बार वेडिंग की CD यूज़ की थी तो इसमें ऑप्शन दिया गया तो वेल एंड गुड। तो इसमें आगे अपन को दो माइक के ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसमें प्लग इन कर सकते हो वन एंड टाइम पे दो माइक को, और एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट इन का ऑप्शन, तो इसको भी आप यूज़ करते हो। साइड में अपन को दो स्मॉल स्पीकर्स मिलते हैं
और नीचे आए तो नीचे दो बड़े स्पीकर्स है और उसके नीचे अपना ये मेन बेस का है, ये दो वूफर्स दिए गए हैं। तो अपन इसमें म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे इसकी साउंड क्लियरिटी कैसी होती है, इसका बेस कैसा होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे अपन साउंड भी यूज़ करके देखेंगे। अपन साइड की बात करें तो साइड में अपन को एक ऑप्शन मिलता है हैंगअप का, दूसरी साइड अपन बात करें तो दूसरी साइड भी अपन को एक ही ऑप्शन मिलता है हैंगअप का। और पीछे बात करें अपन, पीछे एक मिलता है अपन को हीटर फैन और कुछ LG की इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे PN नंबर दिए गए हैं इसके, और यहाँ पे अपन को FM की एंटीना केबल का, ये इधर TV की वायर और यहाँ पे कुछ वायर लग सकती है, यहाँ पे और भी स्पीकर ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ वॉन्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है और ये हाउ टू यूज़, इनको यूज़ कैसे कर सकते हो वो ऑप्शंस दिए गए हैं। और नीचे अपन को एक वायर मिलता है जो अपना एक मेन वायर है, तो इसको आप आउट भी कर सकते हो। अब अपन इसमें माइक यूज़ करके देखते हैं तो माइक कैसे वर्क करता है। तो अपन ने इसमें अडेप्टर लगाया है माइक के अंदर, ये 3.5 mm का अडेप्टर है, तो ये अपन माइक में यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर। तो ये अपन ने माइक इंसर्ट किया, यहाँ पे अपन को गाइड किया उसने माइक के लिए, ये अपना इको का है, इससे इको सेट कर सकते हैं। तो अपन इको रखेंगे 6 पे और वॉल्यूम रखेंगे माइक की 4 पे। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बदमाशी के। हेलो, सब्सक्राइब दी गाइड चैनल फॉर मोर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस। तो गाइज अपने पास माइक भी छोटा है और मैंने वॉल्यूम भी कम कर रखी थी, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया है इसके साउंड क्लियरिटी को, तो काफ़ी अच्छा माइक यूज़ हो रहा है इस साउंड सेट के अंदर। I've got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get... Stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'd be moving fast, call me a shooting star, let them know who you are, flying up in a bar, wish on a star, time to show them who's in charge, call me a shooting star. तो गाइज आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, इसकी साउंड क्लियरिटी और बेस क्लियरिटी कैसी रही, और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसकी मार्केट प्राइस एंड मार्केट अवेलेबिलिटी की बात करें तो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 15,500 रुपीज। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like a real cat.